आई एम योर मैथ्स टीचर फ्राम लतीफ़ नियादी मेमोरियल हाई स्कूल। बेटा हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी 12.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हवाले से। बेटा उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया। इसी तरह इसका हम सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा यहाँ सी पार्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है, बेटा आपने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट। आपने रेडियस और हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। जबकि इसका टोटल सम जो दिया गया है रेडियस एंड हाइट का, वो है 28 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो देयर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे। बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व आउट करवा रही हूँ। सबसे पहले बेटा हम दी गई वैल्यूज़ के थ्रू अपना डेटा तैयार करेंगे। डेटा तैयार हमारे पास किस तरह से होगा, सबसे पहले मेन पॉइंट हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है बेटे। वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास है 22/7। उसके बाद हमारे पास है सम ऑफ रेडियस, हमारे पास है एंड हाइट। इसको बेटा मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आर प्लस एच, ठीक है बेटा। मैं आर प्लस एच इज इक्वल टू करके यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी 28 सेंटीमीटर। हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया गया बेटा, इज इक्वल टू 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर। जी बेटा सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डेटा तैयार किया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई आर प्लस एच। अब जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, हम उनके थ्रू ये फार्मूला फिलअप करेंगे। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जो हमें दिया गया था 1408 हमारे पास, उसके बाद 2π की वैल्यू हमें दी गई थी, ठीक है बेटा। r हमारे पास एबसेंट है, r प्लस एच हमें दिया गया है कितना है यहाँ पे 28, ठीक है बेटा 28 हमें दिया गया है। जी बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको रखेंगे कंटिन्यू बेटे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई, ज़ाहिर है इनकी दर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44/7 आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब ये जो r है, मैं इस r को लास्ट में लेके जा रही हूँ बेटा, ठीक है। इससे हमें इसकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो 7 × 7 = 28 मेरे पास आ जाएगा बेटा। मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 17 आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा हमारे पास सेम बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब ये सॉल्व नहीं कर हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये फिगर है, नेचुरल नंबर है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई से कन्वर्ट कर दूँगी, डिवाइड में 1408 डिवाइडेड बाय 176 इज इक्वल टू एस आर, ठीक है बेटा। जी बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने क्या किया, 1408 डिवाइडेड बाय 176 किया। लास्ट डिजिट दोनों हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इवन थे, 2 से डिवाइड हो सकते थे। हमने अप्लाई किया 2 8 16, 2 8 16, ठीक है बेटा, 2 7 14, 0 0, 2 4 8। अब फिर अगेन हमारे पास दोनों इवन नंबर आ गए हैं, हम फिर अप्लाई करेंगे। अब दोनों फिगर्स जो है हमारे पास डिवाइड हो सकती हैं, 2 से भी हो सकती हैं, 11 से भी। मैं कर रही हूँ यहाँ पे 11 8 88, ठीक है, 11 2, आप देख सकते हो 11 70 यही है, ठीक है, 11 6 66, 4 कैरी ऑन, 11 4 44, 64/8, ठीक है, 64/8 यहाँ पे है। मैं अगेन इसको करूँगी, 8 8 64 हो जाएगा, आर मेरे पास आ गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब मेरे पास आर तो आ गया, अब मुझे एच चाहिए। अगेन मैं किस तरह से लिखूँगी बेटा अपने पास अपने फॉर्मूले में, जी बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हम किस तरह से करेंगे बेटा इसको फाइंड करेंगे। अगेन आर प्लस एच इज इक्वल टू 28 लिखने के बाद, अब हमने आर क्या फाइंड किया बेटा, आर क्या हमने 8 प्लस एच इज इक्वल टू 28। अब मैं इस एच को फाइंड करूँगी, तो ये जो प्लस का 8 है, मैं जब इज इक्वल टू क्रॉस करूँगी टू फाइंडिंग द हाइट, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है बेटा, 28 - 8, ठीक है बेटे, तो 28, तो ये हमारे पास 8 जब माइनस करेगा तो 20 आ जाएगा, दैट मीन्स हाइट हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर और आर हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। आप आंसर किस तरह से दोगे बेटा इसका, जी बेटा आप आंसर किस तरह से दोगे इसका, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देते हुए हैं बेटा। यहाँ पे आपने हेंस लिखने के बाद रेडियस एंड हाइट लिखा और हमारे पास ये आंसर शो कर दिया बेटा। ये बहुत आसान पैटर्न मैंने आपको सोल्यूशन का समझाया है, आप इसको फॉलो करेंगे। आप इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व आउट करेंगे। इसके अलावा बेटा
जी बेटा, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बेटा आपका होमवर्क है, 4 हमने स्किप किया बेटा। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।